बेलगढ़ थाने में दर्ज एक केस में अंतिम रिपोर्ट लगाने के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत लेते कुरी बाजार के चौकी प्रभारी आशीष मिश्रा को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार शाम यातायात कार्यालय के पास से पकड़ा गया है, जिसके बाद उसके खिलाफ ट्रैप टीम प्रभारी देव प्रकाश रावत की तहरीर पर कैंट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बेलघाट के स्वराहा निवासी शिकायतकर्ता अजय कुमार उर्फ मनोज यादव ने एंटी करप्शन टीम से बुधवार को चौकी प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उसने बताया था कि उनके भाई विनोद की गांव के ही हरिनाथ से मारपीट हुई थी। भाई विनोद ने बेलघाट थाने में बीते 26 मई को हरिनाथ के बेटे भीमचंद धर्मेंद्र राज और छोटे लाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए विपक्षी की भाभी निर्मला ने 1 अगस्त 2019 को कोर्ट के जरिए शिकायतकर्ता के भाई विजय कुमार, विनोद कुमार और राधेश्याम के खिलाफ घर में घुसने और जबरन गर्भपात करने के आरोप में केस दर्ज करा दिया। मुकदमे की विवेचना कुरी बाजार के चौकी प्रभारी आशीष मिश्रा कर रहे थे। इसी केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए आशीष ने अजय से 1.5 लाख रुपये की मांग की। बाद में 80,000 में सौदा तय हुआ। गुरुवार को 40,000 रुपये देने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता अजय का आरोप है कि उस दिन 40,000 रुपये लेने के लिए दारोगा ने थाने में बुलाया था। उसकी जानकारी अजय ने एंटी करप्शन टीम से की थी। गुरुवार को थाने पहुंचकर जब उसने फ़ोन किया तो दारोगा आशीष ने शहर में होने की बात कही और यातायात कार्यालय के पास बुलाया। इस दौरान एंटी करप्शन की टीम को सूचना देकर अजय शहर चले आए और फिर नोट में केमिकल लगाकर दारोगा को थमाया। जैसे ही दारोगा ने रुपया पकड़ा, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के अमराही का निवासी है। एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसे कमरे में ले गई, जहां सर्विस रिवॉल्वर व अन्य कागजात बरामद किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए अजय कुमार उर्फ मनोज और ट्रैप टीम प्रभारी देव प्रकाश राव ने कहा। गोपनीय रूप से भेज रहा हूँ अभी तो बहुत सीनियर अफसर बैठे हुए हैं वहाँ से सब कुछ और कर रहे हैं ठीक है सर हाँ ठीक तो भेज दे रहे हैं करते हुए और जो खाइए सर अजय कुमार उर्फ मनोज। सर मामला ये था कि सर गांव में लड़ाई हुआ था मेरे घर से, मेरे दो भाई से और गांव के चार ब्रदर्स हैं उन लोगों से। वो ट्रैक्टर्स की प्रॉब्लम थी, हमारे ट्रैक्टर्स को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था। और जब हमारे भाइयों ने बोला कि क्षतिपूर्ति करो तो उन्होंने घर पे बुला करके उसको बेरहमी से आँख परवार कर दिया। एक भाई की आँख की रोशनी पूरी तरह से चली गई है सर। और इसकी शिकायत जब हम थाने में किए तो इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि विपक्षी पार्टी से आशीष मिश्रा जो दरोगा हमारे पूरी चौकी के इंचार्ज है उन्होंने इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि पैसा ले रखे थे।
और फिर जब हम मेडिकल पर आए तो मेडिकल में पाया गया कि रोशनी नहीं है, तब इन्होंने 326 धारा लगाए। 326 के धारा पे जेल में चार भाइयों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक भाई को गिरफ्तार किया, बाकी तीन को गिरफ्तार नहीं कर पाए। और फिर इसके बदले विपक्षी पार्टी क्रॉस मुकदमा हमारे ऊपर लगाना चाहती थी। कई बार ट्राई किया लेकिन लग नहीं पाया, ये जानते थे। लेकिन जब एक बार अचानक ऐसा हुआ सडनली कि उसके जितेंद्र है, उसकी पत्नी 7 महीने में ही डिलीवरी हो गई उसकी, हाँ सर बताऊँ, तो उसकी डिलीवरी हो गई, तो उसमें बच्चा क्या हुआ कि पैदा हुआ था तो जिंदा था लेकिन कुछ समय बाद वो मर गया। तो वो लोग उसी केस को लेकर के हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए कि हमने उसको मारा है, हमने हमारे मारने से उसका डिलीवरी ख़राब हुई है, जो कि उनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। जिस हॉस्पिटल में ऐसा किया गया उस हॉस्पिटल ने हमें सर्टिफिकेट दे रखा है कि कोई चोट नहीं है वहाँ पे। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट है और मेडिकल सर्टिफाइड करके दे रखा है हमारे पास। फिर भी उसके बाद हमने यहाँ पर दरोगा साहब को बोला तो ये इग्नोर कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, उसकी शिकायत पे 313, 504 और 452 तीन धाराएं हमारे ऊपर लगा दी। तो इसको हटाने के लिए हमें धमकी दे रहे थे कि आप पैसे दे दो तो मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी साहब फर्स्ट, तो हमारे रिश्तेदार और भी भाई लोग जाते थे तो 1.5 लाख रुपए की मांग करते थे। उसके बाद कल मैं गया, मैंने इनसे 3 बार मिल चुका हूँ इससे पहले, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे से भी 1.5 लाख, तो मैं अपनी प्रॉब्लम इनसे विनती किया, साहब हम बहुत गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई नौकरी का सवाल है, जिसमें 3 लोगों का नाम इन्होंने दर्ज किया है उसमें एक भाई को गवर्नमेंट जॉब मिली है, अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जस्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इन्होंने उसकी धमकी देकर के ये बोला कि यदि पैसे नहीं देते हो तो फिर नौकरी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और देखो नौकरी से बढ़ करके कुछ नहीं है, पैसा तो आता जाता रहेगा। तो इस लालच देकर के हमसे पैसे की मांग की, तो हमने पैसे के लिए एग्री कर लिया, बट मैं पैसा देना नहीं चाहता था। तो कल बात हुआ कि ठीक है 40,000 रुपये लग पे दे दो, बाकी पैसे आप बाद में दे। तो पैसे मैं आज देने के लिए, आज कल बात हुई थी, ये बुलाए थे कि कल 3 बजे दोपहर में आ जाना, हमारे रूम प्राइवेट रूम में रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने बुलाया था। तो आज बुलाए थे तो उस समय वो वहाँ पे नहीं मिले, ये आ गए थे कोर्ट में, मैंने फ़ोन किया तो ये बोले कि मैं कोर्ट में हूँ। तो जब मैं कोर्ट में आया वहाँ पे नहीं आया, तो मैं बोला कि साहब आपसे मिलना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है यदि आप आ रहे हो तो गोरखपुर आ जाओ। तो मैं यहाँ पे गोरखपुर आया वो पैसे देने के लिए, 40,000 रुपये लेकर आया था सब पैसे सर, वही केस को फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए, जो फर्जी केस विपक्षी पार्टी ने बनवा रखी है, इसको बोलते थे कि मैं हटा दूंगा पूरी तरीके से। इसकी शिकायत तो ये जो फर्जी केस है, मैं इनको अपना मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर से मिली है वो भी मैंने दिखाया, और उस मेडिकल रिपोर्ट को इग्नोर कर रहे थे, ना वास्तविकता क्या है उसकी जांच भी नहीं कर रहे थे। सर ये शिकायत हम एंटी करप्शन, मैं यहाँ पे आकर के शिकायत किया, तो ये लोग एग्री हो गए, तो ये पूरी टीम मेरे साथ दी। क्या हुआ टीम के साथ? तो टीम मेरे साथ बेलघाट गई थी गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये वहाँ पे नहीं मिले, तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया, पूरी फ़ोन पे बात की, तो मैं यहाँ पे टीम के साथ आया। तो ये फिर हमें थोड़ी देर बाद कॉल करके बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो मैं वहाँ खड़ा था स्टेशन के पास, वो जो चौक है ये आशीष मिश्रा दरोगा, तो मैं वहाँ पे पहुँचा पैसे लेकर के, और जब मैं पैसे दिया तो हाथ में काउंट करने लगे पैसे, तुरंत एक टीम आकर के इनको रंगे हाथों पैसे के साथ गिरफ्तार कर ली। शिकायतकर्ता अजय कुमार उर्फ मनोज बेलघाट गोरखपुर का शिकायत किया था कि बेलघाट के दरोगा जी आशीष मिश्रा मुकदमे में बचाने के लिए मेरे भाइयों का 80,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, जिसमें 40,000 रुपये जो है तुरंत उन्होंने मांगा है और 40,000 रुपये बाद में लेने के लिए कहे हैं। आज 40,000 रुपये ट्रैफिक कार्यालय के पास रेलवे स्टेशन के रंगे हाथ गिरफ्तार किए, ये भी लिखा पड़ी हो रही है। 40,000 रुपये रिश्वती नोट बरामद हुए हैं।